बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को छुट्टियां हो गई है, अब आप लोग एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया, लेकिन काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है और पूछते हैं कि पेपर जो है वो कैंसिल हो गए हैं, क्या अब दोबारा पेपर नहीं होंगे और बच्चों को वैसे पास कर देंगे, या जो एग्ज़ाम्स दे दी है उनकी बेस पे हमें पास कर देंगे। कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि जो हमने पेपर 9th क्लास की जैसे बात करें, 10th की तो कंप्लीट पेपर हो चुके हैं, जस्ट उनके प्रैक्टिकल्स रह गए, तो 10th के जो पेपर हो चुके हैं जनाब, उसी का ही आपका रिजल्ट आउट होगा, आप लोगों को पेपर दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं। 9th के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 9th के जो हमने पेपर्स कुछ दे दिए हैं और कुछ रहते हैं, तो क्या जो हमने दे दिए हैं वो कैंसिल हो गए हैं, वो दोबारा पेपर होंगे और जो है, या फिर जो हमने दे दी है वो वही रहेंगे और फिर जो बाकी रिमेनिंग पेपर हैं वो हमारी छुट्टियां जब ख़त्म होगी तब पेपर होंगे। तो जनाब, अगर आपको मैं एग्जैक्ट बात कहूँ तो इस अभी तक जो है बोर्ड्स की तरफ से कोई ऑफिशियल इस तरह का नोटिस नहीं आया कि इसका क्या होगा रिजल्ट, कि जो आपने पेपर्स 9th क्लास की बात करें, पेपर्स जो दे दिए हैं क्या वो दोबारा हो गए कि नहीं। लेकिन एक लॉजिकल सी बात है, जो आपने पेपर्स दे दिए हैं वो आपके ख़त्म या कैंसिल नहीं हो गए, वो वही पेपर्स रहेंगे। हाँ, जो आपके रिमेनिंग पेपर्स हैं वो आपके जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी, बल्कि उसके बीच में ही आपको न्यू स्केड्यूल मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसे हो गए। और एक बात जो है मैं आपको बता दूँ, ये आप ये ज़रूर माइंड में रखिएगा कि जैसे ही पेपर जो है आपके स्टार्ट होने वाले होंगे 6 अप्रैल से या 7 अप्रैल से, या जो भी स्केड्यूल न्यू आ जाएगा, ये ध्यान में रखें, आपको छुट्टियां होने का चांसेस बिल्कुल जो है वो सिफर होगा, बहुत कम चांस होगा कि आपको कोई छुट्टी हो, क्योंकि जो है पेपर्स काफ़ी आगे चले गए हैं, जिसकी वजह से जो है आप खाली बैटरी के नहीं, इंटर के पेपर्स हैं, फिर जो है बैचलर्स के पेपर्स हैं, फिर साथ जो है वो मास्टर के भी स्टार्ट हो गया, तो वो काफ़ी स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो फिर काफ़ी काफ़ी आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से सेशंस जो है वो डिस्टर्ब हो गए, न्यू सेशंस जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट की यही जो बोर्ड्स जो है उनकी यही चॉइस होगी कि वो जल्दी जल्दी पेपर जो है वो आप लोगों के जो है वो ले ले, बीस से आपको छुट्टियां कब दे, यानी कि आपको हो सकता है किसी पेपर में जो है छुट्टी ना मिले। 9th क्लास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, हो सकता है प्रैक्टिकल्स जो है, प्रैक्टिकल्स 10th क्लास की अगर उनकी बात करें तो उनके भी प्रैक्टिकल्स जो है हो सकता है सेम डेट्स पे हो, अगर वो अप्रैल के बाद में है, 5th अप्रैल के बाद, या हो सकता है उसका कोई न्यू स्केड्यूल डिसाइड हो, पर मेरा ख्याल है कि वही सेम डेट्स पे हो गए, ठीक है। और जैसे ही 9th के पेपर ख़त्म हो गए तो फिर जो है वो साथ ही प्रैक्टिकल्स भी शुरू हो जाएंगे और साथ ही इंटर के पेपर्स भी चलेंगे, उसके साथ BSc के भी स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स उससे जो है वो साथ साथ ये बावजूद के पेपर्स चलेंगे, तो छुट्टियाँ होने के चांसेस बहुत रेयर हो गए। तो आप लोगों के पास जितना टाइम है, आपके पास जितने दिन हैं अभी, आप उसे भरपूर फायदा उठाएं, भरपूर तैयारी करें, ताकि अगर आपको कोई जो है लेंथी सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी के लिए आपको 2-3 दिन चाहिए होते हैं और पेपर जो है उसमें हो सकता है आपको छुट्टी ना हो, तो आप जो है छुट्टियों में उसका भरपूर फायदा उठाएं, पहले से तैयारी करके रखें और ये माइंड बना के रखें कि आपका एक दिन में 2 पेपर भी हो सकते हैं, या एक दिन पेपर हो, उसके अगले दिन पेपर हो, फिर अगले दिन पेपर हो, भी उससे कोई छुट्टी ना हो, ठीक है। तो ये माइंड सेट करके तैयारी करें और पेपर कैंसिल नहीं हुए आपके, जो आपने दे दिए हैं वो वही रहेंगे और जो बाकी रिमेनिंग पेपर्स हैं उसके जो है वो आपकी डेट शीट शायद जो है वो आप कभी डेज में अनाउंस हो जाए। अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन, कोई जो है गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया उसका क्या होगा, तो आप जो है हर तरह से अपना माइंड सेट रखें कि जो है छुट्टियां आपको बहुत जो है वो रेयर होगी, हो सकता है ना हो, ठीक है। तो आप जो है छुट्टियों में अच्छी तैयारी कर ले, अच्छे जो है वो प्रिपरेशन कर ले, ताकि अगर छुट्टी ना भी हो तो आपका कोई नुकसान ना हो, आप इजीली रिवीजन कर सके, ठीक है। और इंटरमीडिएट और जो बैचलर के पेपर हैं उनकी जो है ऑलमोस्ट डेट जो है अप्रैल के बाद ही है, तो हो सकता है उनकी सेम डेट शीट चले, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना माइंड रखें, या हो सकता है उनके बीच में छुट्टियां कम कर दी जाए, तो सारा कुछ जो है वो आप जो है वो माइंड में सेट करके रखें, तो और इन छुट्टियों में जो जो है भरपूर फ़ायदा उठाएं,
एग्जाम्स के हवाले से अच्छी तैयारी कर ले, ठीक है। प्रैक्टिकल्स वाले अच्छी तैयारी करें, प्रैक्टिकल्स की नोट बुक बहुत प्यारी तैयार करें। इंशाल्लाह आपको चैनल में जो है वो 10th की जो प्रैक्टिकल्स की जो है वो फुली सॉल्व बुक जो है मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे प्रैक्टिकल बुक सॉल्व करनी है, पेपर वहाँ पर जाके आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे देना है। और बाकी जो है बाकी सब्जेक्ट्स के भी फुल इंटर है, मैट्रिक है, ठीक है, बीए का भी कोशिश करूंगी, बीए बीएससी का भी फुली सॉल्व पेपर शो करूंगी प्रेजेंटेशन के साथ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप व्यू है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा गाइज, अल्लाह हाफिज़।